सॉरी भाई, मैं पीछे लेता हूँ। दोस्तों, अच्छी फिल्मों का हमेशा रीमेक बनाया जाता है, वो चाहे बॉलीवुड हो, साउथ हो, भोजपुरी हो या फिर कोई और इंडस्ट्री, हमेशा अच्छी फिल्मों का रीमेक बनाते हैं और अपने लैंग्वेज में उस फिल्म को रिलीज करते हैं। इससे फिल्म का सिनेमा हॉल में चलना और पैसा कमाना दोनों बढ़ जाता है, अगर हम नॉर्मल फिल्म से कंपेयर करें तो। जैसे भोला, कबीर सिंह, थ्री इडियट, ये सारी फिल्में दूसरे इंडस्ट्री की फिल्मों की रीमेक हैं और ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही तगड़ा कलेक्शन कर चुकी हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अब ऐसा ही कुछ होने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री में। साउथ की फिल्म सलार जैसी फिल्म अब भोजपुरी में बनने वाली है, जिसके बारे में आगे पूरा डिटेल में जानेंगे। देखिए, खेसारी लाल यादव हमेशा से कोशिश करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। वो बैक टू बैक कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं, फरिश्ते संघर्ष 2 और अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रंग दे बसंती, जो भोजपुरी के लिहाज से बहुत ज्यादा कलेक्शन कर रही है सिनेमा हॉल से। खेसारी लाल यादव एक फिल्म का शूटिंग भी कर रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है गॉडफादर। ये कन्फर्म नहीं है कि ये फिल्म सलमान खान की फिल्म गॉडफादर से रिलेटेड है, बट इस फिल्म से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है इस फिल्म में और आधा से ज़्यादा शूटिंग भी इस फिल्म का पूरा हो चुका है। इसके साथ बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव बहुत जल्द किसी साउथ सुपरहिट फिल्म का रीमेक बनाने वाले हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। बहुत जल्द उस फिल्म का नाम रिवील होने वाला है, देखते हैं कब तक पूरा डिटेल सामने आता है फिल्म का। बाकी इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को भोजपुरी का हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाता है।